गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉ, इस टॉपिक को मैं आपको बताने आया हूँ। तो ये जो चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर में हमें फोकस जो करना है वो भारतीय संविधान को लेकर इसमें बात की गई है, और साथ ही साथ जो है कानून की ज़रूरत हम लोगों को क्यों है इसके बारे में बताया गया है। तो आज इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इस संविधान को जो है हमने 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था, और इस संविधान को हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि जब ये संविधान जो है 26 आपको जनवरी को, जब ये संविधान जो है आपको 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ भाई, जब ये संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था। तो ऐसा इसलिए क्योंकि 1930 जब हमारे देश में जो है आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जब लड़ाइयां चल रही थी, तो उस समय जो है आपको 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो है मांग अंग्रेज़ों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है पूर्ण आज़ादी यानी संपूर्ण आज़ादी चाहिए, ठीक है। और ये 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस के ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है आपको तिरंगे झंडे को सबसे सर्वप्रथम फहराया था। तो उसके बाद से ये घोषणा कर दिया गया कि 26 जनवरी 1930 जो होगी यानी 26 जनवरी जो है हर साल जो है 26 जनवरी को जो है तिरंगे जो है हम फहराएंगे और अपने जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाएंगे। लेकिन हमें आज़ादी जो है ना वो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन ये आज़ादी जो है 15 अगस्त 1947 को मिली। तो अब बात ये आया कि आखिर उस 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस को किस तरीके से बनाया जाए। तो आज़ादी 47 में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो है ये हमने इसे अडॉप्ट किया, और इसीलिए इस 26 जनवरी 1950 को जो है ये शुभ दिन जो है वो हमारा आया, जिस दिन से हमने इस संविधान को जो है लागू किया। मींस दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो संविधान जो है ना इसके बारे में और थोड़ा मैं आपको बता दूं। देखिए, हमारे संविधान में आप देखेंगे कि जब इंट्रोडक्टरी जो पार्ट जो होता है, प्रियम्बल जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि हमारे संविधान का एक परिचय हमसे कराता है, तो उसमें आपको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी जैसी बातें बताई गई हैं। तो ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का मतलब क्या? लिबर्टी आज़ादी, इक्वालिटी समानता, फ्रैटर्निटी यानी भाईचारा। ये चीज़ें जो है ना हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब आप क्लास 9th में जाएंगे तो उस समय आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप जो है इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का जो कंसेप्ट जो है ना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकल कर सामने आया, और हमने क्या किया, इन चीज़ों को अपना लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि इसके अलावे हमने जो है अपने संविधान में जो है जो ह्यूमन राइट्स की जो बात करें, ठीक है, यानी जो मानव अधिकार की जो बात करें, राइट्स जो हमने जो अपने संविधान में जो जगह जो दिया है, ये आपको हमने अमेरिका से लिया है। यानी अमेरिका से जो है हमने क्या लिया है, राइट्स यानी अधिकार जो है, नागरिकों के अधिकार की जो बातें जो हैं ये हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ जो है जो कि हमने USSR से लिया, वो मैं आपको बता दूं, USSR यानी सोवियत संघ यानी रशिया से जो है हमने क्या किया कि आपको 5-year plans यानी पंचवर्षीय योजना
आपको जो है इस बार क्लास 8 में आपको 5-year प्लान्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भारत ने जो है आज़ादी के बाद जो है ये 5-year प्लान को अडॉप्ट किया था, जिसमें हर 5 साल के लिए जो है एक टारगेट जो है वो निश्चित किया गया है, निर्धारित किया गया कि ये टारगेट्स जो है वो इस 5 साल में जो है इसे जो है आपको जो है ये चीज़ों को टारगेट को पूरा करना है। शुरुआत इसकी वर्ष 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी, ठीक है। तो अब आगे आपको बता दें, अब हम लोग आते हैं जरा कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। ये तो मैंने आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई बातें आपको बताई, अब जरा जानिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन, ध्यान दीजिएगा, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। यानी एक संविधान क्या होता है? संविधान एक लिखित रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसके तहत क्या होता है, हमारा देश जो है उसको गवर्न किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस जो है जिसके ज़रिए जो है कंट्री को गवर्न नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों का भी समावेश है, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट के लिए तो रूल्स और रेगुलेशंस तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट के ओके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी उनके ऊपर पाबंदियां भी हैं कि व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। सरकार जो है वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये भी बातें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको बताया गया है। यहाँ तक कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है ना हमारा, ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में भी चर्चाएं जो है वो आपको हमारे संविधान में की गई है। तो हमारा संविधान जो है इसमें आपको कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आपको जो है सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे संविधान में मौजूद हैं। तो ज़रा सबको बारे में जानते हैं, आखिर सॉवरेनिटी क्या होता है। सॉवरेन, हाउ कैन अ कंट्री कैन बी कॉल्ड अ सॉवरेन? सॉवरेन मतलब क्या होता है? सॉवरेन, कोई भी देश को उसी समय सॉवरेन कहा जाता है। सॉवरेन को हम लोग नीटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं संप्रभुता, यानी हम अपने देश से जुड़े हुए आंतरिक मामलों के जो है समाधान को हम खुद करेंगे, यानी देश से जुड़े हुए हर जो है परिस्थितियों को जो है हम खुद ही डील करेंगे। कोई बाहरी कंट्री हमें गवर्न, हमें ये समझाएगा नहीं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यानी ऑल द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री कैन बी मैनेज बाय द पीपल लिविंग इन द इंडिया, यानी हम खुद ही उसके बारे में फैसला कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता, मतलब ये कि हमारा कंट्री जो है वो धर्म निरपेक्ष देश है, यहां पर सभी धर्म के लोगों का जो है। सेकुलर शब्द का अर्थ होता है धर्म निरपेक्षता, यानी भारत का एक पहले से ही मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो यहाँ पर जो है सभी धर्म और जाति के लोग जो है ना वो हमारे परिवार हैं, हमारे इस देश में रह सकते हैं, सभी का बराबर अधिकार है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। समाजवादी कहने का मतलब है कि देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं इन सभी रिसोर्सेज पर सभी का बराबर का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी के लोगों का बराबर का अधिकार है। और साथ ही साथ अंतिम जो है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी भारत एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली क्लासेस में मैं आपको नीड फॉर लॉज के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।